सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो आप लोगों ने आज सुबह सुबह मैं निकल गया एक ब्लॉग करने। तो पहले आप लोग जो पहला क्लिप्स है ना वो देख लीजिए, जो बाइक स्टार्टिंग में जो स्टार्ट करने मॉर्निंग स्टार्ट में कैसा जो RPM इंक्रीज होता है वो वीडियो पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोगों ने वो वीडियो शायद देख लिया। अब मैं बताता हूँ क्यों जो RPM मॉर्निंग स्टार्ट में जो RPM इतना इंक्रीज़ हो गया था वो क्यों हो गया था। सब सोचते हैं कि जो ये बाइक खरीदते हैं फिर सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, सब सोचते हैं। मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि जो BS6 बाइक आया ना, ये BS6 बाइक्स में टेम्परेचर सेंसर है, मतलब सेंसर से भरा पड़ा है, मतलब हर जगह पर सेंसर है। ठीक है, रुक जाओ, ये पहले आगे चला जाओ। ओके, जो BS6 बाइक्स है ना वो हर जगह पर सेंसर है, मतलब थ्रॉटल बॉडी सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, मतलब सेंसर से भरा पड़ा है। इसीलिए जो बाइक्स है वो ECU के ऊपर से रन करता है, ECU के सेंसर रन करता है। इसीलिए जो बाइक है वो सब सेंस करता है, मतलब जो इंजन ठंडा हो गया था रात में, बाहर सारी रात बाइक मेरा बाहर खड़ा था, इसीलिए जो बाइक है ना, बाइक का इंजन है वो ठंडा हो गया था। इसीलिए जो बाइक का टेम्परेचर सुबह में स्टार्ट करने से बाइक का टेम्परेचर बहुत ही कम होने की वजह से जो बाइक सेंस करता है वो, इसीलिए जो टेम्परेचर की वजह से बाइक ज़्यादा RPM गेन करता है। मतलब जो जब भी सुबह के टाइम आप बाइक को स्टार्ट करोगे आप देखोगे कि जो नॉर्मल RPM होता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा RPM में ये रन करेगा। मतलब आप लोगों को कोई डरने की बात नहीं है, वो उससे डरने की कोई बात नहीं, वो कुछ नहीं होगा। मतलब नॉर्मल RPM क्या होता है, 1100 और 1200 ऐसा के करीब होता है। जब मॉर्निंग में आप लोग स्टार्ट करोगे जो इंजन बहुत ही ठंडा हो गया, कोल्ड हो जाएगा, वो कोल्ड टेम्परेचर में स्टार्ट करोगे बाइक को, तब आप लोगों को ये बाइक को जो RPM है थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, मतलब वो 2000 के आसपास हो जाता है RPM। वो एक देख सकते हैं आप, आप लोगों को मैं ये एक छोटा सा वीडियो था आप लोगों को दिखा दिया बस। सुबह उठ के मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ये एक दिखाऊंगा आप लोगों को, इसीलिए आप लोगों को एक वीडियो बना के दिखा दिया ये। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा बाय।